हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर शकुंतला त्रिपाठी गवर्नमेंट कॉलेज छुई खदान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थ हूँ। आज मैं आपको बीए भाग दो आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का यूनिट फर्स्ट में संसाधन के अर्थ एवं उसके वर्गीकरण के बारे में जानकारी दूंगी। इसके पूर्व मैंने संसाधन के अर्थ और विषय वस्तु से आपको अवगत कराने का प्रयास किया था। यदि उसी को कुछ आगे की स्थिति में देखें तो यह बताने के प्रयास करी हूँ कि संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल का एक उपशाखा है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त तत्व जो है वो संसाधन नहीं कहलाते, वे ही वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या पूर्ति करने के लिए सक्षम होते हैं उसे ही संसाधन कहा जाता है। इसमें यह भी आपको मालूम चाहिए कि संसाधन के लिए विद्वानों ने यही कहा है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, और ये बनाने का कार्य मनुष्य स्वयं अपनी जिज्ञासा और विवेक के माध्यम से करता है। इसी कारण वास्तविक संसाधन मनुष्य स्वयं ही है, जो संसाधन का जनक भी कहा गया है। आदिकाल से देखें तो किसी स्थान का संसाधन पहले बहुत ही सीमित था, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं भी सीमित थी। जैसे जैसे आवश्यकताओं का निरंतर उत्तरोत्तर विकास होने लगा, मनुष्य उस संसाधन और जिज्ञासा के लिए आगे बढ़ने लगा जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इसे स्थिति में अनेक क्षेत्रों में संसाधन का विकास बढ़ने लगा। किसी देश का या क्षेत्र का विकास वहाँ के संसाधन और उपयोग पर ही आधारित है, इसलिए विकासशील देश से ये स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पे संसाधन का कितना उपयोग किया जा रहा है। यदि हम आदि काल में देखें तो संसाधन में पाषाण युग, ताम्र युग और आज लौह युग के बाद आधुनिक युग की बात करें तो निरंतर संसाधन इतने अधिक विकसित हो गए हैं कि यह देश की आर्थिक समृद्धि का एक परिचायक या प्रतिबिंब बन गया है। मैं आगे यह भी बताना चाहूँगी कि संसाधन जब तक प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग मनुष्य नहीं जानता तो वह उसके लिए कोई भी मूल्य नहीं रखता। जैसे पहले यूरेनियम और थोरियम का उपयोग मनुष्य नहीं जानता था तो वह संसाधन नहीं थी, परंतु जैसे अणु परमाणु के लिए उसका उपयोग किया गया तो वह संसाधन बन गया। और यहीं पर फिर वही बात आ जाती है कि संसाधन होते नहीं बल्कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर फिशर महोदय ने भी कहा है कि संसाधन कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। यहाँ मूलभूत बात यही है कि मनुष्य जब उपयोग करता है तभी वही प्रकृति प्रदत्त तत्व जो है वह संसाधन हो जाते हैं। यहाँ संसाधन स्थैतिक ना होकर गत्यात्मक होते हैं। मनुष्य में सभ्यता का विकास जिस प्रकार से होता आ रहा है उसी प्रकार से संसाधन में भी परिवर्तन एवं विकास हो रहा है, और यह विकास ही मनुष्य तुरंत उस क्षेत्र के विकास से जोड़कर विकसित अविकसित और विकासशील स्थिति में देशों की गणना करने लगता है। हम यदि देखें तो अतीत काल से वर्तमान काल तक की स्थिति को हम इससे मूल्यांकित भी कर सकते हैं। संसाधन एक क्रियाशील तत्व है जो मनुष्य को उसके प्रयास के आधार पर ही प्राप्त होता है, और इस स्थिति में संसाधन निरंतर विकसित होते हैं मनुष्य के ज्ञान विज्ञान और कलाओं के संपर्क में आने से। संसाधन में शोषण एवं संरक्षण एक दूसरे के पूरक स्थिति में आए हैं। जो जो आवश्यकता बढ़ती है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण भी होने लगता है। एक स्थिति में संसाधन गत्यात्मक है ना कि स्थैतिक। जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार होता जा रहा है वैसे वैसे संसाधनों के रूप में भी परिवर्तन हमें मिल रहा है। आज की स्थिति में हम यदि देखें तो संसाधन के वर्गीकरण में विभिन्न विद्वानों ने जैसे कि
आपका डेविस महोदय ने प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन ओवेन के अनुसार लवकरणी संसाधन, क्षयशील संसाधन, अक्षयशील संसाधन ये वर्गीकृत किए हैं। दासमन महोदय ने 1976 में जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसमें अनवीकरणीय संसाधन, पुनर्चक्रीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अक्षयशील संसाधन ये उन्होंने वर्गीकरण के प्रकार बताए संसाधन के। इसी प्रकार से जिमरमैन महोदय ने भी संसाधन के वर्गीकरण को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला नवीकरणीयता के आधार पर संसाधन, दूसरा वितरण के आधार पर संसाधन और तीसरा उपभोग के आधार पर संसाधन। यहाँ पर जो भी विद्वानों के आधार पर किए गए वर्गीकरण हैं, इस वर्गीकरण को यहाँ पर संपूर्णता से विस्तृत रूप में एकीकृत करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि देखें तो संसाधन का वर्गीकरण पहला विषय वस्तु के आधार पर, दूसरा संरक्षण के आधार पर, तीसरा स्थायित्व के आधार पर, चौथा मूलभूत स्रोतों के आधार पर, पांचवा आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर, छठवां विकास की अवस्था के आधार पर और सातवां आर्थिक उपयोग के आधार पर वर्गीकरण संसाधन का किया गया है। विषय वस्तु के आधार पर पहला प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त तत्व को संसाधन के रूप में लिया गया है। ये प्रकृति संसाधन ही संसाधन की जननी कहा गया है। मनुष्य इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है और मुख्य रूप से ये कच्चे माल जो है औद्योगिक क्षेत्र में काम आते हैं और आर्थिक विकास और राज्य की आय में वृद्धि करते हैं। इसके दूसरा है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन प्राकृतिक संसाधन का प्रकार है जिसमें प्रकृति के रूप में जो वृक्ष है, जीव जंतु है, ये इसके अंतर्गत शामिल है। आज जैविक संसाधन में वे वस्तुएं आती हैं जिसमें चट्टानें, वायु, जल, खनिज, ईंधन एवं धातु और भवन निर्माण के सामग्री आज जैविक संसाधन में शामिल है। मानवीय संसाधन में हम लोगों की संख्या एवं उनकी गुणवत्ता को लिए हैं। गुणवत्ता का अर्थ है उसकी कार्य क्षमता और स्किल्स। मानव श्रम के बिना प्राकृतिक संसाधन का कोई मूल्य नहीं है, इसीलिए विषय वस्तु के आधार में प्राकृतिक संसाधन के साथ मानवीय संसाधन को उतने ही महत्व दिया गया है। संरक्षण के आधार पर जो संसाधन का प्रकार है, रेनर महोदय ने असामान्य और अपरिवर्तनीय संसाधन को पहला वर्गीकृत स्थान दिए हैं। ये वे संसाधन हैं जो समाप्त नहीं होते और इसमें परिवर्तन भी नहीं होता। असमाप्त किंतु दुष्प्रयोजनीय संसाधन ये वे संसाधन है जिसे मनुष्य अविवेकी रूप में उपयोग करता है और यह फिर नष्ट हो जाते हैं, पुनः प्राप्त नहीं होते। संपोषित किंतु अनवीकरणीय संसाधन यह पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता और इसका पुनः प्राप्त करना क्योंकि इनके निर्माण कार्य में लंबे समय लगते हैं जो कि असंभव है। समाप्त किंतु पुनः उपयोग साधन समाप्त हो जाते हैं ये संसाधन और फिर उपयोग में बार बार इसे लाया जा सकता है। जैसे धातु लोहा है, टीन है, सोना है, जिन्हें हम फिर से उपयोग में बार बार ला सकते हैं, समाप्त हो जाते हैं फिर उन्हें हम पुनः बार बार उपयोग में ला सकते हैं। समाप्त किंतु एक बार उपयोग योग्य संसाधन के अंतर्गत पेट्रोल, कोयला संसाधन आते हैं जो एक बार ईंधन या शक्ति के रूप में उपयोग में आने के बाद पुनः प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर दूसरा प्रकार है स्थायित्व के आधार पर संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। इसमें मछली और वनस्पति आते हैं जो पुनः हमें प्राप्त हो जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में जीवाश्म, ईंधन और खनिज शामिल है। मूल स्रोतों के आधार पर संसाधन की वर्गीकरण में खनिज संसाधन, मृदा संसाधन, वनस्पति संसाधन, जल संसाधन और जीव जंतु संसाधन शामिल हैं।
आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर संसाधन में संपूर्ति संसाधन जिसमें सूर्य ताप, जल, वायु और वनस्पति आते हैं, जिनकी हमें हमेशा पूर्ति होती रहती है। अनापूर्ति संसाधन में वे संसाधन हैं जो बहुत सीमित होते हैं, जो एक बार उपयोग में आने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, जैसे खनिज और शक्ति के संसाधन इसके मुख्य उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि संसाधन के विकास की अवस्था पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। संभाव्य संसाधन जिसका भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो, जिसका उपयोग निकट भविष्य में किया जा सकता है, ऐसे संभावना वाले संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं। ज्ञात संसाधन में जिसकी जानकारी हमें है, सर्वेक्षण किया जा चुका है, संचित भंडार हमें ज्ञात है, ऐसे संसाधन को ज्ञात संसाधन कहा जाता है, जिसमें लौह अयस्क, धातु, सोना, चांदी, टीन, बॉक्साइट आदि आते हैं। आर्थिक उपयोग के आधार पर संसाधन में खाद्य संसाधन जिसमें अनाज और खाद्य सामग्री समस्त आते हैं। औद्योगिक संसाधन के अंतर्गत उद्योग में आने वाले कच्चे माल इसके अंतर्गत शामिल है। कृषिगत कच्चे माल के अंतर्गत जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास कच्चा माल है, ऐसे वनस्पति, गन्ना, चीनी उद्योग के लिए है, वो इसमें शामिल है। वनों से प्राप्त कच्चे माल में औषधि है, जड़ी बूटी है, पत्ते हैं, छाल हैं आदि अन्य सामग्री जो है वनों से प्राप्त कच्चे माल कहलाते हैं। शक्ति के संसाधन के अंतर्गत दो प्रकार है, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत साधन। परंपरागत साधन के अंतर्गत पेट्रोल, कोयला और जल विद्युत को रखा गया है। गैर परंपरागत के अंतर्गत बायोगैस है, पवन ऊर्जा है, आपका सौर ऊर्जा है, इसे इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ पर यह बता दें कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो संसाधन की मात्रा और स्थान भी सीमित होती है। सभी जगह सभी प्रकार के संसाधन नहीं पाए जाते और संसाधन पर्यावरण का एक पूरक है। पर्यावरण संसाधन को प्रभावित करता है और संसाधन पर्यावरण को, इसीलिए हमें संसाधन का उपयोग संपोषित करना चाहिए। संपोषित करती है कि संसाधन का उपयोग हमें आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। उपयोग जितनी आवश्यकता है उतनी करें, और दूसरा है दुरुपयोग से उसे बचाएं, और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है भविष्य के लिए उसे सुरक्षित भी रखें, ताकि कोई भी संसाधन जो है उससे हम लंबे समय तक वंचित ना रह सकें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसाधन के वर्गीकरण के साथ साथ हमें संसाधन संरक्षण का भी ध्यान रखना है, संसाधन को बचाए रखने का प्रयास भी करना है, और साथ साथ में पर्यावरण को भी संरक्षित करना है। इसी स्थिति में आज मैंने आपको संसाधन के वर्गीकरण का विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो मेरा व्याख्यान होगा वो मृदा संसाधन, जल संसाधन, वनस्पति संसाधन के लिए किया जाएगा। धन्यवाद।